पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार की वजह से एक बेकसूर युवक की जान चली गई। युवक का नाम राहुल है, उसकी उम्र 21 साल थी। रोजाना की तरह वो बाहर टहलने के लिए निकला, लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार कार ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि युवक की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन 2 महीने बाद ऐसी घटना ने सबको दुखी कर दिया है, क्योंकि युवक की उम्र महज 21 साल थी और 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि वो रिफाइनरी में ठेकेदार के बेस पर काम करता था। 2 महीने पहले ही राहुल की शादी हुई थी और राहुल रोज की तरह सुबह भी टहलने के लिए रिफाइनरी से बाहर निकला तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राहुल को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई, जिसके बाद परिवार उसे कई अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान ही युवक राहुल ने दम तोड़ दिया। सर सुबह शहर के लिए लड़का गया था जी, करीब करीब 5 बजे वहाँ कोई कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया जी, मार के चला गया। कौन सी जगह पे हुआ था? शिवदीप टाउनशिप रोड पर, टाउनशिप रोड पर शिवदीप स्कूल है जी, उसके आसपास में जी। ये कैसे थे? कैसे ये मतलब बाइक पे थे? कैसे थे? नहीं, पैदल थे सर, सुबह के टाइम में 5 बजे। क्या नाम था भाई का? कितने? राहुल नाम था सर, 21-22 साल उम्र थी। शादीशुदा थे जी सर? 2 महीने हुए शादी को। कुछ काम करते थे? रिफाइनरी में काम करते थे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ददनाड़ा जी। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ तो? उसके बाद फिर पुलिस वगैरह आई थी? नहीं, उसके बाद हम इनको यहीं सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे जी, लेकिन यहाँ से भी 2 जगह रेफर कर दिए थे। कल भी पुलमा चावला हॉस्पिटल में थे करनाल में जी, तो रात में वहाँ से रेफर कर दिए थे रोहतक, लेकिन रोहतक एक्सपायर हो गई। तो कुछ पता लगा वो कार किसकी थी क्या? नहीं जी। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट कब हुआ, किस दिन हुआ था? 6 तारीख को, सोमवार को हुआ था सर। अच्छा, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई जी सर। चोटें कहाँ कहाँ लगी हुई थी? चोट सर छाती में थी और पैर में थी, टांग में थी। तेज रफ्तार से चला रहा था गाड़ी को? हाँ जी। तो फिलहाल जो है, परिजनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि गांव ददलाना का रहने वाला युवक राहुल था, जिसकी उम्र 21 साल थी। वो सुबह के वक्त टहलने के लिए रिफाइनरी से बाहर निकला, इसी बीच तेज रफ्तार आई और उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई, लेकिन इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।